कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खातिर बाजार के बारे में, जानेंगे खातिर बाजार में विदेशी बाजारों के बारे में। आज देखेंगे विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू बाजार में क्या रेट चल रहा है खाद्य तेल का, टैंकर में उत्तर प्रदेश में किस तरह कीमतें बाजारों में आज देखी जा रही है, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड बाजारों में आज चल रहा है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर से पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सबसे पहले विदेशी बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो विदेशी बाजार में आज कमजोरी के संकेत देखने को मिले हैं। अर्जेंटीना में लाभकारी बारिश से CBOT सोयाबीन फिसला है। ब्राजील के माता ग्रासो में सोयाबीन की कटाई शुरू होने से CBOT सोयाबीन पर काफी दबाव देखा जा रहा है, और 22 दिसंबर तक ब्राजील में 1% सोयाबीन की कटाई की जा चुकी है। चीन में बढ़ते कोरोना संकट का असर वैश्विक बाजारों पर देखा जा रहा है, और चीन साल के अंत में अब तक का सबसे कम सोयाबीन स्टॉक कैरी फॉरवर्ड लेकर जाएगा। चीन और KLC में गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में तेल तिलहन की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। कीमतों के बारे में बात करते हैं। तो लोकल मिलों में आज बाजारों में नरमी देखी गई है। विदेशी बाजारों को देखते हुए बाजारों में काफी आज गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। मई वनस्पति मूंगफली का रेट 1335 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। पामोलिन में 15 लीटर कीमतें 1450 रुपए देखी जा रही है। पामोलिन में 1 लीटर का रेट 97 रुपए आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा सोया ऑयल में 15 लीटर कीमतें 1910 है। सोया ऑयल में 1 लीटर का रेट 126 रुपए 50 पैसे बाजारों में देखा जा रहा है। फॉर्च्यून में 15 लीटर कीमतें 2060 रुपए बाजारों में देखी जा रही है। फॉर्च्यून में 1 लीटर का बाजारों में आज का रेट 142 रुपए है। बेस्ट चॉइस सोया रिफाइंड कीमतें 1 लीटर में 128 चल रही है, और पामोलिन में 1 लीटर का रेट बेस्ट चॉइस में बाजारों में 97 रुपए देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड का रेट बाजारों में 114 चल रहा है। सोया ऑयल कीमतें 130 रुपए देखी जा रही है। सोया ड्यू का रेट बाजारों में 128 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड का रेट उत्तर प्रदेश में 136 है। एक्सपोर्ट कीमतें 134 रुपए देखी जा रही है। पामोलिन का उत्तर प्रदेश में रेट बाजारों में 98 रुपए देखा जा रहा है। विदेशी बाजार काफी नरम है, जिसकी वजह से मिलों के जो भाव हैं वो ना तो बहुत ज्यादा गिरे हैं और ना ही बहुत ज्यादा तेजी देखी जा रही है। ओवरऑल ट्रेंड आपको स्लाइटली निगेटिव देखने को मिलेगा, और चीन की वजह से वैश्विक बाजारों में जबरदस्त गिरावट का असर देखा जा रहा है, और उसकी वजह से घरेलू बाजार में भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आज अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।